मैं एक महानूर की बात से ही मुझे एक बात ख्याल आई। सब बातें हाँ, अब आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं ईद वाले दिन, आपके अब जो घर में काम होते हैं बच्चियों के साथ, या आपके हस्बैंड को क्या क्या पसंद है? हमसे तो आप हर दफा सवाल करती हैं। सवाल मेरा तो काम ही सवाल वाला है। मेरा इंटरव्यू बिल्कुल आप करेंगे, लेकिन मैं अब जरूर बताऊंगी। वैसे मैं घर में ज्यादातर, एक तो हम लोग भी माशाल्लाह से सात बहनें, माशाल्लाह तो वही वाली मसरूफियत के बहनें आ रही हैं एक के बाद दूसरी। और मैं तो खैर वैसे एक सीरियसली बात बताऊं, मैं काम वाम नहीं करती थी घर में, मतलब ये कि बस मुझे पका पकाया मिल जाता, क्यों बहनें बड़ी बहुत थी ना मुझसे, तो बहुत अच्छा लगता था कि सब आ रही हैं। और मैं जरा लाडली भी थी, अम्मी अब्बू की भी। अच्छा, सब उस वक्त भी मजे थे और अब भी मजे, अभी बेटियां जो है वो माशाल्लाह है ना। ये बात है, ये अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा सुकून रखा वैसे इस मामले में। आमीन आमीन। अच्छा ज़ैनब, आपको भी तो किताबों के मुताले का बहुत शौक है जी? आप तो जानती हैं माशाल्लाह से, तो वो मैं शुरू से बचपन से पढ़ाकू वाला एक वो था कि कोई भी आ रहा है, कोई घर में मेहमान भी आ रहा है, मगर मुझे मसला नहीं है, मैं बस एक कोना पकड़ लेती थी। माशाल्लाह सेवन सिस्टर्स, तो उसमें छोटा होना और फिर लाडला जो बंदा होता है ना, छोटा होता है, वो लाडला भी होता है, तो उसमें इतना काम का होता नहीं है, क्योंकि वन बाय वन बहनों की शादियाँ होती, फिर आप पे देर से जो है वो जिम्मेदारी आती है, तो ज़ैनब का भी यही रहा होगा। और दूसरी बात ये थी, एक तो गैप होता है ना कि भाई एक की शादी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे आ गई, तीसरी की शादी हुई तो फिर उसके बाद आ गई। मेरा एक तो मुझे आसानी ये हुई कि मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी, घर की जिम्मेदारियाँ पड़ने से पहले ही शादी हो गई थी, तो ना घर पर काम किया ना ससुराल में काम किया। यह